हेलो, भारतीय सितार लेसन चार। आज हम सोफे से नीचे आ जाते हैं। जैसे हमने सोफे पर बैठकर सितार पकड़ने का आपको तरीका बताया था, ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पेट तो बड़े हुए हैं, उनको जमीन पर बैठना मुश्किल है और सांस आसानी से जो बैठ सकते हैं किसी भी पोजीशन में, उनके लिए सोफे पर बैठकर बजाना तो ठीक है। अब आती है ऐसे लोगों के बारे में जो विद्यार्थी हैं संगीत के, जो संगीत में कुछ आगे करना चाहते हैं, खोज इत्यादि, या आगे बढ़ना चाहते हैं कलाकारी के, यानी कि लाइन में एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, उनके लिए तो स्पॉट स्टेज हो या जमीन हो, उस पर बैठकर सितार का वादन उपयुक्त रहता है। तो पहले हम ये करेंगे कि शुरू शुरू में जिनको बैठने का तरीका नहीं पता, तो उनके लिए ये है कि दोनों टांगे फैला लें और राइट दाहिने टांग से या लेग से लेफ्ट को क्रॉस करें। क्रॉस करते हुए फिर लेफ्ट को इकट्ठा करें, फिर राइट को इकट्ठा करें और ये पोजीशन बना लें बैठने के लिए। अब ये जो काफ है, पांव का जगह है, यानी कि पांव की हथेली के ऊपर वाला हिस्सा, इसमें सितार का तुंबा रखा जाता है, जैसे इस प्रकार से। वैसे ही राइट हैंड की बाजू से इसको सितार को पकड़ना और लेफ्ट हैंड बायां हाथ इस प्रकार से बैठने का अभ्यास किया जाता है। अच्छी तरह अभ्यास होने के बाद अब दाहिने हाथ लेफ्ट बायां हाथ को आप यहां से एक इसको छोड़कर या एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात में पर्दे के और छठे पर्दे के बीच की जगह मैं ये उंगली करनी उंगली रखनी है इस तरह से। तर्जनी उंगली के मध्य भाग ऊपर जहाँ पोटा है उसके बिल्कुल सेंटर में तार को रखा जाता है और ये जो तार वाली जगह है इसको कभी भी तब्दील नहीं करते या लगातार चेंज नहीं करते, बदलते नहीं है, वही रखते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके तर्जनी के साथ वाली उंगली का प्रयोग होता है, लेकिन ये कभी कभी जब सुर की वापसी जाते हैं या सुर लगाकर अगला सुर लगाकर वापस जाना होता है तो उस वक्त इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे भी मीट वगैरह में जहाँ खींच के सुरों को लगाया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है, वो तो बाद की बातें हैं। अब ऐसे इस तरह से हाथ रखें, ये है मध्य साल का पर्दा, छठे और सात में पर्दे के साथ ऊपर ना रखते हुए थोड़ा पीछे रखते हैं और इसे
इसे कहते हैं मध्य सा, जैसे सारे गामा पाधा नि सा सानी धागो मागा नि सा मध्य सप्तक। तो इसमें हम अब मिजराब पहन के आगे थोड़ा बताएंगे मिजराब कैसे पहनी, पहनते हुए 19 पर्दा 20वें पर्दे के थोड़ा नीचे, पर्दे के ऊपर नीलम उठ रखना, थोड़ा नीचे रखना और ये जगह फिक्स रखनी। तो अब हम दास स्ट्रोक लगाते हुए ये हुआ सा। अब बदलते हुए स्वर को हम नीचे लाएंगे, ये रे, फिर आगे वाला हिस्सा या खाना छोड़ना है तो छोड़ते हुए गा गा, और इसके साथ वाला मा, फिर आगे वाला पर्दा छोड़िए पा, फिर अगले वाले खाने में या पर्दे पर धा, आगे एक और छोड़ना है नी। अब ये तार सा हुआ। अब ऊपर से नीचे जब आए हम तो ये हुआ अरोह। अरोह को ऐसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने यहां से वापस जाना है, अब इस सुर से वापस जा रहे हैं तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। यहां तक हुआ हमारा मध्य सप्तक की सर्ग शुद्ध स्वरों में। जो जो पर्दे हमने छोड़े हैं बजाए नहीं है वो कोमल और तीव्र। अब इसी का अभ्यास हम सरगम का अभ्यास जो है, अच्छा अब इसमें एक और तरी बात है कि जैसे ये हमारी डांड है, डांड और छाती के बीच में कम से कम 8 इंच का एक ब्रश का फर्क होना चाहिए, ना कि छाती ऐसे इसके साथ चिपकनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ये पोजीशन है ऐसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइन में या कला के क्षेत्र में जाना चाहते। इसमें भी एक और बैठक है, वो बैठक है थोड़ा सा इसमें तब्दीली है। वो क्या है कि दहने घुटने पर सितार को टिका देते, अब ये जो पोजीशन है ये घरानों में फर्क करती है। पहली पोजीशन में पंडित रविशंकर जी के परंपरा के लोग वो इस पोजीशन पर बैठते हैं, या तंत्रंग बजाने वाले लोग इसमें राइट हैंड का काम ज्यादा और लेफ्ट हैंड का काम। तो फिर ये बात की बातें हैं कि किस तरह से, या फिर जो प्रचलन बड़े उस्तादों ने चला दिया तो वो हो गया जैसी आदत पड़ गई। हाँ लेकिन ये है कि सैनी घराने में या विलायत खान साहब के घराने में, इमदाद खान व
राज खां या उनके आगे के जो प्रतिनिधि, जैसे हम प्रतिनिधि विराज खां साहब घराने के प्रतिनिधि हैं, तो उसी तरह से इसकी बैठक जो है वो इस तरह से की जाती है। तो हम इस चीज का ये देखेंगे कि सरगम का अभ्यास अब एक पर्दे पर दादा की चार चार स्ट्रोक हर स्वर में दे रहे हैं। तो इसी प्रकार आप दा और रा का स्ट्रोक का भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही जितना भी आप अभ्यास कर लें ताकि हाथ आपका पूरी तरह से और आराम से चले और सुर भूले ना। जैसे सा रे पर्दा छोड़ा गा, इसके साथ मा पा धा नी और सा, यहां से वापस जाना है तो इस उंगली का प्रयोग किया, सा नी धा पा मा गा दा, 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 दा। अब इसके बाद हम पीछे बताएंगे कि कैसे अंगूठा रखना है सही तरीके से। पीछे सही हाथ रखने का तरीका, तर्जनी अंगूठा इस तरह से मध्य सा के पर्दे के ऊपर तर्जनी आएगी और इसके पीछे अंगूठा इस तरह से, इस तरह रखना गलत होगा। ये सही तरीका इस तरह ऐसे ऐसे और
आगे की तरफ। दोनों अंगूठा और अंगुलियां बिल्कुल साथ साथ चलनी चाहिए। अंगूठे के बिल्कुल पैर इस प्रकार से बड़ी ज्वारी छोटी ज्वारी शिकारी का पोल छठे नंबर की चिकारी का पोल जोड़े की तार का मनका गंधार की तार का मनका और पंचम की तार बाज की तार का मनका मिजराब मिजराब पहनने का तरीका इस तरह से मिजराब को पहनना चाहिए थोड़ा सा आगे रखते हुए।